मैंने कुछ लिखा ना लिखा, क्या लिखा छोड़िए, मैंने कोई माफी नहीं मांगी। मैं अपने बात पे अडिग था, अडिग हूं, क्योंकि हम माफी वीरों के वंशज नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग। माफी नहीं मांगी हमारे पूर्वजों। हमारे वक्तव्य से कोई टेंशन हुआ देश में? नहीं हुआ। कोई झगड़े हुए? कोई दंगे हुए? नहीं हुए। लेकिन ये पुलिस 3 दिन में गिरफ्तार कर लेती है मुझे, और जिनके कहने से देश भर में दंगा हुआ, हंगामा मचा पूरा, उसको यही दिल्ली पुलिस, यहां होंगे आईबी के लोग होंगे, सब दिल्ली पुलिस के भी होंगे, सुन लीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा होम मिनिस्ट्री में कि रतन लाल ये बोला है, मैं डरता नहीं हूं, कि वही दिल्ली पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान करवा रही है। सबसे पहले काम करना है कि आपको आडंबर कचरा जितना घर में है रखा हुआ, वो निकाल के नदी में बहा दो। झूठ निर्भर भारत में आपका स्वागत है। और मैं बहुत ज्यादा इतिहास में पीछे नहीं जाऊंगा, 8 साल की ही बात करूंगा। और एक कथा आपने सुनी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, एक एक करके खाएगा। और एक व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश में, शायद हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, कि बूढ़ा बाघ जो है हाथ में कंगन लिए हुए बैठा रहता है तालाब के किनारे, और पथिक याद आता है, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, पूरी कहानी नहीं बताऊँगा। बेचारा कहता है कि पानी में नहा कर आओ, उसके बाद ये आभूषण लेकर जाओ। वो पानी में जाता है, वो पानी नहीं दलदल है, और दलदल में जब फंसता है तो बाघ बड़े प्यार से शिकार कर लेता है। 8 साल के घटनाक्रम पर नज़र डाले, और सीधा सीधा बात कहने में घुमा फिरा है, कहने की बात नहीं है, क्या खोया क्या पाया ये सब देखा जाएगा। अरे सीधे सीधे आरएसएस बैग्ड, बीजेपी के झूठ निर्भर भारत के झूठे प्रोपेगेंडा, आने वाले चुनाव में इसको हराइए, सीधी सी बात है, इसमें समझने क्या बात है, सीधा यहां से ऐलान है। और किसे जिताइए, अब सवाल है। हमारे पास कुछ साथी, जब मैं बेल से रिहा हुआ तो कई साथी उत्तर प्रदेश से आए थे और कई तमाम जगहों से, उन्होंने कहा कि लीडरशिप की क्राइसिस, कि आप लीडरशिप संभालिए, आप आइए मैदान में। मैंने कहा आप सबका शुक्रिया कि आप सबने जो प्रेशर बिल्डअप किया, और सब तमाम दिल्ली के साथियों और भारत भर और दुनिया भर के साथियों का शुक्रिया, और न्यायालय का भी शुक्रिया कि ये सरकार 24 घंटे भी मुझे रोक नहीं पाई। तो मैंने कहा कि आपको सबका शुक्रिया और प्रणाम करता हूं, लेकिन अभी पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी मैंने कहा, ये नहीं कि कभी नहीं, अभी, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, जब छात्र आते हैं तो पहले कहते हैं अपने दिमाग का स्लेट मिटा लो, पहले नए स्लेट पे लिखने से वो बेहतर ट्रेनिंग होती है, लर्निंग बेहतर होती है। तो इसीलिए मोदी साहब ने एक सफाई अभियान चलाया है, और मैं भी स्वच्छता पसंद हूं, देखिए रोज मेरे कपड़े बदलते हैं और बहुत साफ और बहुत महंगे कपड़े पहनता हूं, ब्रांडेड। मैंने कहा अगले 10 बरस तक मैं सफाई अभियान पर रहूंगा। वो सड़क की सफाई करवा रहे हैं, और हम बहुजनों के दिमाग की सफाई करवाएंगे। आप बुद्धिस्ट बने ना बने, कब बनेंगे नहीं बनेंगे ये मैं नहीं जानता, और ये आपको फोर्स भी नहीं है। मैडम आपका सुनना ज्यादा जरूरी है, ये फोर्सफुली भी नहीं कहा जा रहा है कि आप बुद्धिज्म एक्सेप्ट करिए, लेकिन इन बिटवीन भी एक स्पेस है। सबसे पहले काम करना है कि आपको आडंबर कचरा जितना घर में है रखा हुआ, वो निकाल के नदी में बहा दो। ना बहा दो, इज्जत के साथ बहा दो भाई, इज्जत के साथ बहा दो, कि ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, उसको बहाओ हटाओ, और उसके जगह सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, अंबेडकर, पेरियार, वो किताबें लाओ, उनके फोटो दिखाओ, आप आइए मेरे घर पे,
दूर से ही बड़ा सा बाबा साहब का पोर्ट्रेट आपको दिखेगा कि कोई, मैं जानता हूं कि भारत के लोग चंद्रमा पर भी चले जाएंगे तो सबसे पहले मंगल पर भी जाकर जाति ही पूछेंगे, कौन जात के हो भैया। हमारे अमेरिका के एक दोस्त कहते हैं कि वो सब कहते हैं कि चलो स्विमिंग पूल में नहाने, तो बोला क्यों भाई, तो उससे जब गंजी उतारेंगे तो पता लग जाएगा कि जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। तो मैंने दूर से ही बड़ा सा टांग दिया है कि भैया आने से पहले पता कर लेना कहाँ आ रहे हो, इधर उधर की बात नहीं, काम की बात करो, मन की बात उधर जाना, काम की बात करो। तो आप साफ कर लीजिए। और जिस दिन उदित राज जी 10 लाख कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं 10 साल 15 साल मेरी नौकरी है, 15 साल यही तैयारी करूंगा, और तब तक आपके पास ना चंदा मांगने आऊंगा ना वोट मांगने आऊंगा। जिंदगी कितनी लंबी हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितना मीनिंगफुल हुआ ये इंपॉर्टेंट है। राजनीति भी करनी होगी तो 65 साल में भी शुरू करूंगा। जयप्रकाश नारायण जिंदगी के सारे मूवमेंट उनके चले नहीं, लेकिन सीधे आके बुढ़ापा में सरकार बदल दिए। जो भी उनका दर्शन हो वो हटाइए, उसमें नहीं जा रहा। इतने सारे बाबा साहब के जमाने में कितने एमएलए एमपी मिनिस्टर थे, किसी का नाम भी याद नहीं, लेकिन बाबा साहब को सब जानते हैं, वो चुनाव नहीं जीते थे लोकसभा। तो हमारे लोग जो है, मैं जहां जाता हूं ना उनको सबसे पहले बाबा साहब को उंगली दिखाते हैं ऐसे कि बाबा साहब बोले थे संसद पर कब्जा करो। अरे कब्जा करके करेंगे क्या ये पता ही नहीं है। 131 तो बैठे हुए अंदर, 131 बैठे हुए, कुछ नहीं हो रहा सर, देख लीजिए। अगर मुंह में दही नहीं जमाए होते, बोलते रहते, हंगामा करते रहते, तो ये जितना उदित राज जी एजेंडा लिखे हैं इसकी जरूरत हमको यहां पर आके दिन भर भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम हम आप लोगों को बधाई देना चाहते हैं। ये कम से कम लोहिया कहा करते थे कि जब सड़क सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इस संसद को बांझ नहीं होने देना है, याद रखिएगा। लोग डराते हैं, अरे निजीकरण, आप बात जो एजेंडा ला रहे हैं, दिल्ली पुलिस तक का निजीकरण हो गया है, दिल्ली पुलिस तक का। वो अभी अग्निवीर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा टाइम नहीं है ना, तो बढ़िया से बताता, ये अग्निवीर है कि कौन सा वीर है वो भी बताता। अभी डॉक्टर रितु यहां बैठी हुई, लगातार वो, हम मुझे लगता है दो साल से लगातार लड़ रही। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रिंसिपल के खिलाफ FIR हो चुका है, लेकिन आज तक उसी FIR, वो भी एट्रोसिटीज एक्ट में, एम आई राइट, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, चीटिंग एंड फर्जरी ऑल्सो। और मुझे लगता है कि उस प्रिंसिपल से ज्यादा सामाजिक हैसियत मेरी तो होगी ही होगी, उससे ज्यादा मेरी सामाजिक हैसियत होगी और राजनीतिक हैसियत भी होगी। मैं जाकर चमचागिरी कहीं नहीं करता, किसी का सलाम नहीं करता मैं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी within 3 days हो जाती है। मैंने कुछ लिखा ना लिखा, क्या लिखा छोड़िए, मैंने कोई माफी नहीं मांगी। मैं अपने बात पे अडिग था, अडिग हूं, क्योंकि हम माफी वीरों के वंशज नहीं है, संघर्ष करने वाले लोग हैं। माफी नहीं मांगी हमारे पूर्वजों ने। हमारे वक्तव्य से कोई टेंशन हुआ देश में? नहीं हुआ। कोई झगड़े हुए, कोई दंगे हुए? नहीं हुए। लेकिन यह पुलिस 3 दिन में गिरफ्तार कर लेती है मुझे, और जिनके कहने से देश भर में दंगा हुआ, हंगामा मचा पूरा, उसको यही दिल्ली पुलिस, यहां होंगे IB के लोग होंगे, सब दिल्ली पुलिस के भी होंगे, सुन लीजिएगा, जाके बोल दीजिएगा होम मिनिस्ट्री में कि रतनलाल ये बोला है, मैं डरता नहीं हूं। कि वही दिल्ली पुलिस उसको सुरक्षा प्रदान करवा रही है, तो ये निजीकरण नहीं है दिल्ली पुलिस का। कोर्ट में जाके बोलेंगे कि कान में हमको कहा होम मिनिस्ट्री से फोन आया था, आप फोन के इशारे पर, आप वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, दिस इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैं कोई घबराया हुआ नहीं, इतिहास का छात्र हूं, मैं जानता हूं
कि उतार चढ़ाव इतिहास में आते रहते हैं। और हमारे लोग जो कह रहे थे बहुत इंटरेस्टेड हैं एमएलए एमपी बनने में, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। जिस दिन आपका घर साफ हो जाएगा, दिमाग साफ हो जाएगा, जिस दिन मेरे कहने पे आप दिल्ली को भर देंगे, पूरा दिल्ली ब्लू दिखना चाहिए, उस दिन आपको विकल्प भी पेश कर देंगे। और दावे के साथ कह रहा हूं, मैं एक पॉलिटिकल आदमी था, मैं चुनाव लड़ा हूं बिहार विधानसभा, और मेरा पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल्स जाके देखिए, इलेक्शन कमीशन पर रखा हुआ है। 25 साल नौकरी हो गई है, न बैंक बैलेंस है, न प्रॉपर्टी है, न घर है, न कुछ नहीं है, तो कहां पकड़ोगे मुझे? ईडी कहां लगाओगे? कहां भेजोगे इनकम टैक्स? और जिस दिन ईडी भेजोगे, इनकम टैक्स भेजोगे, यही समाज हमें करोड़ों रुपए ला के दे देगा, यही समाज देगा, और उसी पैसे से समाज को बदलूंगा। हमारी संपत्ति वो भौतिक संपत्ति नहीं है, सोना चांदी रुपया हवेली नहीं है, हमारी संपत्ति हमारे लोग हैं। जिस दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे, जिस दिन बात समझ लेंगे, उस दिन इस देश आपका होगा, हमारा होगा। एक बात और कहने जा रहा हूं, एकदम समय का पाबंद हूं, 3 मिनट। जिस समय लोगों में जागृति नहीं थी, जिस समय दलितों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, उस समय 40 लाख कर्मचारी थे। उदित राज जी, ठीक कह रहा हूं, ज्यादा आरक्षण पूरा हो रहा था, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था, अपॉइंटमेंट हो रहे थे, लोगों में ये भी था कि नहीं इनके साथ एट्रोसिटीज हुआ था, तो थोड़ा सिंपैथी भी था कि नहीं नहीं एडमिशन करा दो, चलो, लाज शर्म भी था, सिंपैथी नहीं तो कम से कम आंख में लाज शर्म था। जितनी हमारी जागृति बढ़ी, और जितने जागृति का मतलब हम समझते हैं कि खाली राजनीतिक जागृति, बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति में वो कुंजी है जिससे अपने मुकद्दर बदल सकते हो, आप झूठ पड़े हैं। बाबा साहब ने सिर्फ यही नहीं कहा था, बाबा साहब ने कहा था उसके पहले ज्ञान प्राप्त करो, इतिहासकार बनाओ, अर्थशास्त्री बनाओ, समाजशास्त्री बनाओ, पत्रकार बनाओ, वकील बनाओ। कितने बच्चे आपने भेजे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए, कितने बच्चे कोलंबिया भेजे आपने? तो नहीं, आधा ज्ञान हर समय घातक होता है। तो हर समय जहां मिडिल देखेंगे, भाई लड़ाई ये पॉलिटिकल क्लास खाली नहीं लड़ सकता है, प्रधानमंत्री भी बना देंगे अगर उदित राज जी को, चाहे ओम सुधा को, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सीए तो है ही नहीं। तो हीरा चोर विदेश में ऐश करेगा, खीरा चोरी के चक्कर में पता लगा उदित राज जी जेल गए आरोप में। तो लोग हमने कहां बनाए? हम सब ने मिलकर अपने बच्चों को जो है बाबू बनाया, सिर्फ बाबू बनो। तो लीडर तो बनाया नहीं, तो डीलर ही मिलेगा। लीडर नहीं बनाया तो डीलर मिलेगा। इसलिए घबराने की मैं कोई निराश नहीं हूं, लड़ाई तो लड़ी जाएगी। अब ये ग्लोबल वर्ल्ड है, अगर एक बार हंगामा होता है तो ग्लोबली ट्रेंड होता है, यूएनओ में जाता है पूरा। अपने बच्चों को साहसी बनाइए। घर में बोलते हैं बेटा डर के आ जाना, चुपके से, झगड़ा मत करना। जो बहादुर बनाएंगे वही लड़ेगा। मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा था कि आंख झुका के आना घर पे, और आपके सामने खड़ा हूं, बिहार से लेकर दिल्ली तक दर्जनों मुकदमे लड़े हमने, आज भी हाई कोर्ट में 2 केस है, और एक तीसरा तो आएगी आइए बोनस में। तो आप डरेंगे, सेफ जोन में खेलेंगे, सेफ जोन है तो नहीं। मुझे पता है कि 10-15 साल में कोई बड़ा आंदोलन, इतिहास का छात्र इसलिए कर रहा हूं, 30-40 साल लगता है एक मूवमेंट को बनने में। जो नवीन कह रहा है, जो लक्ष्मण, जो शंभु, या जितने साथी कह रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं अम्बेडकरनामा के माध्यम से, मुझे पता है कि 15 साल का बच्चा जो सुनेगा आज, 20 साल का बच्चा जो सुनेगा, 15 साल में वो परिपक्व होगा, क्योंकि इसके महत्व को हमने नहीं पहचाना। रामायण महाभारत टीवी में हुआ, हमारे घर में भी उस जमाने में मुझे पता है कि धूप अगरबत्ती जला के लोग रामायण महाभारत देखते थे। तो सिर्फ राजसत्ता नहीं, कल्चरल हेजेमनी जरूरी है। हमने अपने लोगों के बीच, यहां भंते सुमित रतन बैठे हुए, और मैं कहता हूं कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, अरे कोई भी विचार या धर्म अपने आप नहीं फैलता है, अपने आप उसमें टांग नहीं होता कि चल के चला जाएगा। जितने बौद्ध लोग हैं वो सब दावा ठोके कि जितने बौद्ध विहार हमारे कब्जे में है वापस करो, जितनी खुदाई करवा रहे हो जरा डीप करवा लेना,
लक्ष्मण भाई भी कह रहे हैं कि जरा नीचे से खुदवाना, ज्यादा नीचे बहुत विहार मिलेगा। जितने आपके भगवान बुद्ध को कब्जा किया हुआ है, विष्णु बनाए, वापसी करवाओ, जाके घर घर बौद्ध धर्म का प्रचार करो। सिर्फ मठ में बैठने से त्रिशरण और त्रिरत्न, वो बाबा साहब अंबेडकर का भाषण है बर्मा में, 4 दिसंबर 1954 को बुद्धिस्ट काउंसिल ने बोले थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होगा भारत में, कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग पढ़ते भी नहीं, समझते नहीं। मैं क्या हूं नहीं हूं पढ़ के कम से कम यूट्यूब में आपको बता रहा हूं कि बाबा साहब ने यह कहा था, इस तारीख को यहां कहा था, इस पेज नंबर पे था। तो साथियों, मुझे लगता है कि समय हो गया। नहीं नहीं ठीक है, खाने का टाइम। नहीं नहीं ऐसा ऐसा है, बहुत ज्यादा देखिए, डोज मेडिकल डोज सॉलिड चला जाए 15 मिनट में काफी है, 1 घंटा प्रवचन होता है, तो आप समझिए 24 में जितने जगह भाजपा हो, एक कहते हैं लेसर एनिमी का सिद्धांत है, ठहर जा भाई, ठहर जा 5 मिनट, आपसे ज्यादा भूख लगी। कि लेसर एनिमी कहते हैं, अगर राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं तो 51% का सिद्धांत समझिए, 24 कैरेट अगर गोल्ड आप चाहेंगे तो जिंदगी में चेतना आपकी बढ़ती रहेगी, लेकिन आप हारते रहेंगे। 51% मतलब 50+1 में सरकार बनती है। अगर हमसे आपकी 51% सहमति है तो आप हमारे साथ आइए। हमारे लोग करते क्या है, 98% सहमति है और 2% असहमति है तो नहीं खराब है, शत्रु है। ऐसे आप राजनीतिक परिवर्तन करेंगे और राज सत्ता पाएंगे। नहीं, क्या देखिए, जो आपके राजनीतिक शत्रु हैं उनमें सब में एका है, कहते हैं कि अब हम नहीं कर रहे हैं, आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि परशुराम ने 30 बार नाश कर दिया क्षत्रियों का। लेकिन अभी दोनों मिल गए, कितना प्यार से जो है आपका कान ऐसे ऐसे ऐंठ रहे पूरा, सब ये सब देख लीजिए। तो ये बात इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि बार बार जो शिक्षा की बात आई है, हमने डिग्री लेके नौकरियां की है, डिग्री लेके नौकरियां की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाके देखे 3,500 SC ST OBC प्रोफेसर होगा, क्या लक्ष्मण कितना होगा। ये टेम्पररी मास्टर जो है भारत भर में पंगा लिए रहता है। हमने इसको कहा है कि भाई तुम घबराना नहीं, कुछ होगा तो यही भाई लोग से सबसे 2-2 हजार लेके इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा कि सारे नौकरी के बराबर पैसा हो जाए, रौन देंगे। अब पैसे की कमी नहीं होगी, संसाधन की कमी नहीं होगी, हमें कमिटेड सेनापति चाहिए, और एक नहीं चाहिए। हमारे लोग में दिक्कत है कि हम ही खाली राजा बन जाए, नेता बन जाए, नहीं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं और अपने बच्चों को बड़े ख्वाब दिखाइए, महत्वाकांक्षी बनाइए, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं तो मेरे पास 10 ऐसे लोग होने चाहिए जो होम मिनिस्टर अच्छा बन सके, जो डिफेंस मिनिस्टर अच्छा बन सके, जो फॉरेन मिनिस्टर अच्छा बन सके, जो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा बन सके, तब जाके वो प्रधानमंत्री भी ठीक से काम करेगा, अन्यथा सिग्नेचर करने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। शुक्रिया, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।